सभी लोग जब भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को फॉर्मेट करते हैं, जब भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो हमें प्रोडक्ट की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों हम लोग मान लीजिए कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को लाइसेंसी सॉफ्टवेयर है, लाइसेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसको फॉर्मेट करने के बाद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं होता है कि अब हमारे पास प्रोडक्ट की कैसे पता करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने सिस्टम अपने विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोडक्ट की को फाइंड करेंगे, ताकि जब कभी भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, हमें फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ती है तो जब कभी भी इंस्टॉल करें तो आसानी से प्रोडक्ट की को टाइप कर सकें जिससे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में आसानी हो। इसके लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और जिस पर देखते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट की को फाइंड कर सकते हैं। आप लोग कैसे पता करेंगे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का, विंडोज का, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं विंडोज के अंदर, उसका प्रोडक्ट की क्या है? तो अभी मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक जैसे ही करेंगे आपके यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्प्ले कर रहा है कि आपके सिस्टम का विंडोज का प्रोडक्ट की क्या है। अब हम इसको ओके कर देते हैं, आप इसको चाहे तो नोट कर लें और जब भी आप अपना सिस्टम फॉर्मेट करेंगे तो आसानी से फिर इस प्रोडक्ट की को आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको ओके कर देते हैं। चलिए तो दोस्तों इसके लिए हम क्या काम करते हैं, मेरे पास एक प्रोग्राम पहले से ही पड़ा हुआ है, ये नोटपैड में है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं एक नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद इसको हम पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद हम चलते हैं फाइल मेनू पे और यहाँ पे जाने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। इस पर जाने के बाद हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, चलिए key.vbs इसको हम सेव करेंगे key.vbs में और इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसको कर देते हैं कट, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से हमारी फाइल बन गई है। अब इस पर हम क्या करेंगे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों मैं इस प्रोग्राम को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आसानी से वहाँ से कॉपी करके भी प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।